हेलो फ्रेंड्स, आई एम शार्क और मैं आज के आपके सामने आज एक सॉफ्टवेयर का इंट्रो देने जा रहा हूँ। सॉरी, इंट्रो देने से पहले उसे इंस्टॉल कैसे करना है ये बताने जा रहा हूँ। वैसे तो इस सॉफ्टवेयर से लगभग आप सभी बहुत अच्छी तरह रूबरू होंगे, बट फिर भी कभी कभी फ्रेशर्स और हमारे स्टूडेंट्स इसे इंस्टॉल करने में गलतियां कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो 30 डेज ट्रायल ही रह जाता है और बहुत से स्टूडेंट्स को और बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत से यूज़र्स को बहुत प्रॉब्लम होती है जब वो देखते हैं कि उनका 30 डे ट्रायल पैक फिनिश हो गया है। उसके बाद वो उसी सिस्टम में इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम आती है, तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि उसे कैसे फिक्स करना है, जिसकी वजह से वो कभी आपका 30 डेज ट्रायल ना ले। चलिए स्टार्ट करते हैं उस सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलेशन से। वैसे सॉफ्टवेयर का नाम आप देखकर ही जानिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखते हैं, ये रहा वो सॉफ्टवेयर जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ, मास्टर कलेक्शन CS6। काफ़ी बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है, वो हमेशा कहते रहते हैं कि सर, या बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स होते हैं जो कहते रहते हैं कि सर ये प्रॉपर इंस्टॉल तो हो गया, बट 30 डेज के ट्रायल के बाद ये बंद हो जाता है। तो वो मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ कि इसे परमानेंटली कैसे अपने सिस्टम में फिक्स करना है। सबसे पहले हम सेटअप में जाएंगे, सेटअप को इंस्टॉलिंग पे लगाएंगे। ये हमारा सेटअप इंस्टॉल करना शुरू हो गया है। उसके बाद काफी बच्चे या काफी यूट्यूबर्स, काफी यूजर्स ये करते हैं कि 30 डेज ट्रायल में इन कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास उनका सीरियल नंबर नहीं होता है। तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि 30 डेज ट्रायल इंस्टॉल करने के बाद भी आप उसे परमानेंट फिक्स कैसे कर सकते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पे हम लैंग्वेज इंटरनेशनल इंग्लिश डालेंगे, देन एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहे हो तो प्लीज़ अपना नेट बंद कर दें। ये मैंने जैसे कि अपना नेट बंद कर रहा हूँ, चेंज एडाप्टर सेटिंग्स क्लिक एंड डिसेबल, ये हमारा सॉफ्टवेयर डिसेबल हो गया। अब इसे स्टार्ट करते हैं, एक्सेप्ट, और ये इंस्टॉल होना शुरू हो गया। हमें जिन जिन सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत है, जिन पे हम काम करना चाहते हैं, सिर्फ वही सॉफ्टवेयर ही टिक रहने दें, बाकी सबको अनटिक कर दें। जैसे अभी मुझे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है फ्लैश, एडोब आफ्टर इफेक्ट्स, अगर आपके पास 64 बिट का सिस्टम है तो प्लीज 64 बिट ही सेलेक्ट रहने दीजिए, बाकियों को हटा दे सकते हैं आप। देखिए, इसमें दो तरह के ऑप्शन आ रहे हैं, एडोब एलस्ट्रेटर CS6 64 बिट एंड फोटोशॉप CS6 64 बिट। तो इन्हीं दोनों को रहने दीजिए, बाकियों को हटा दीजिए एंड देन इंस्टॉल। ओके, यस, अब ये इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। अगर आपके सिस्टम का प्रोसेसर अच्छा है, रैम अच्छी है, तो इंस्टॉल होने में हार्डली, जैसा आप देख रहे हैं कि 15 to 20 सेकेंड्स लेगा, 20 मिनट लेगा। बट अगर डुअल कोर, कोर टू डुओ है, तो इसकी इंस्टॉलेशन में लिटिल बिट टाइम बढ़ सकता है, उसके लिए आप परेशान मत हो।
इसे इंस्टॉल होने में टाइम लगेगा। हमारी इंस्टॉलेशन मोस्ट प्रोबली कंप्लीट होने वाली है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद जिन सॉफ्टवेयर्स की हमें ज़रूरत थी, हमने सिर्फ वही सॉफ्टवेयर टिक किए थे, बाकी अनटिक किए थे। तो हमारे सामने सिर्फ वही सॉफ्टवेयर ही हैं जिन्हें हमें रीड करना है, लर्न करना है, और वो सॉफ्टवेयर हमारे सामने है AI, एडोब एलस्ट्रेटर। ये एडोब एलस्ट्रेटर का आइकन है। FL, ये फ्लैश का आइकन है। AE, ये आफ्टर इफेक्ट्स का आइकन है। PR, ये एडोब प्रीमियर प्रो का ऑप्शन है, आइकन है। PS, ये फोटोशॉप का आइकन है। आगे देखते हैं क्या करना है, इसे क्लोज कर देते हैं। अभी हम देखते हैं कि ये जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं जो हमने इंस्टॉल किए हैं, ये कैसे आ रहे हैं। स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स, एडोब मास्टर कलेक्शन CS6 हमारा इंस्टॉल हो गया है, क्लिक। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमने जो 30 डेज ट्रायल इंस्टॉल किया था वो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले देखेंगे कि फोटोशॉप कैसे वर्क करता है। फोटोशॉप को ऑन किया, देखिए जैसा मैंने कहा था, मैंने 30 डेज ट्रायल इंस्टॉल किया था, उसकी नोटिफिकेशन हमारे पास आ गई है। हम स्टार्ट ट्रायल करते हैं और ये हमारा बेहद खूबसूरत सा फोटोशॉप स्टार्ट हो गया है। फोटोशॉप इंस्टॉल स्टार्ट करने के बाद हम इसकी फाइल ओपन करेंगे, न्यू एंड देन ओके। हमारे पास एक नई विंडो आ गई है। इस विंडो को यहीं पे छोड़ते हुए हम इसे कट कर देंगे और अदर सॉफ्टवेयर देखते हैं क्या उसमें ट्रायल आ रहा है। एडोब आफ्टर इफेक्ट्स, इसमें भी ट्रायल आ रहा है, कंटिन्यू ट्रायल। ये 30 डेज ट्रायल ऐसे सारे सॉफ्टवेयर ही शो करेंगे। अब इस 30 डे ट्रायल को हम फिक्स कैसे कर सकते हैं परमानेंटली अपने सिस्टम पर। सबसे पहले हम अपने सॉफ्टवेयर की तरफ जाते हैं जहां पे हमने इसकी फाइल रखी हुई है, जैसा कि ये रहा एडोब CS6 मास्टर कलेक्शन, क्लिक। अब हम देखिए हमारे पास दो ऑप्शन थे, एक कि हम उसका क्रैक डालें, और क्रैक हमारे पास अवेलेबल नहीं होते हैं कई बार। इस कंडीशन में मेरे पास एक DLL फाइल है जिसके अंदर मैं जाऊंगा। DLL के अंदर 64 और 32 बिट पड़े हुए हैं, 64 बिट एंड 32 बिट की दो DLLs पड़ी हुई हैं। क्योंकि मेरा सिस्टम 64 बिट है, इसलिए मैं 64 बिट की DLL को उठाऊंगा। अब हमारा परमानेंट फिक्स जो प्रोग्राम था वो स्टार्ट हुआ है। तो आप अपने एडोबी मास्टर कलेक्शन को परमानेंटली अपने सिस्टम में कैसे फिक्स कर सकते हैं वो देखिए। एक हमने DLL फाइल खोल ली और उसके बाद दूसरी फाइल खोली हमने C। ठीक है, आपके सामने दोनों फाइलें हैं, दोनों फोल्डर्स हैं जो ओपन हुए हैं। DLL 64 बिट ये रहा और हम C में जाएंगे।
उसके बाद हमारा जो फोल्डर है वो 64 बिट है, तो ये है 86 यानी 32 बिट, और ये है परमानेंट 64 बिट। हम इसके अंदर जाएंगे, एडोब के अंदर गए, उसके बाद ये डीएल हमें कहाँ कॉपी पेस्ट करनी है वो देखते हैं। हम एडोब आफ्टर इफेक्ट्स से स्टार्ट करते हैं, एडोब आफ्टर इफेक्ट्स, सपोर्ट फाइल्स एंड देन ड्रैग एंड ड्रॉप, कॉपी एंड रिप्लेस फाइल, कंटिन्यू। ये कंटिन्यू हो गई, उसके बाद हम दूसरे सॉफ्टवेयर की तरफ जाते हैं, एडोब इलस्ट्रेटर, सेम प्रोसेस, सपोर्ट फाइल्स, कॉन्टैक्ट, सॉरी कंटेंट्स, विंडोज एंड ड्रैग एंड ड्रॉप, कॉपी एंड रिप्लेस, कंटिन्यू एंड देन बैक। फिर एडोब फोटोशॉप, एडोब फोटोशॉप में एक कंडीशन है, अगर आप एडोब फोटोशॉप को इंस्टॉल करने के बाद 30 डेज ट्रायल के बाद तुरंत स्टार्ट नहीं करतेंगे, तो ये परमानेंटली 30 डेज ट्रायल ही रहेगा, ये आपका फिक्स नहीं होगा। उसे फिक्स करने के लिए हमें एक बार उसे ओपन करना होता है, उसके बाद क्लोज कर देना होता है। फिर सेम प्रोसेस, ड्रैग एंड ड्रॉप, कॉपी एंड रिप्लेस, कंटिन्यू एंड हमारा लास्ट बचा प्रीमियर प्रो, ओपन, ड्रैग एंड ड्रॉप, कॉपी एंड रिप्लेस, कंटिन्यू। ठीक है, हम इसमें एक सॉफ्टवेयर छोड़ रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हो इसमें फ्लैश नहीं है, फ्लैश हमेशा 64 बिट पैटर्न पे चलता है, तो 64 बिट पैटर्न पे जाने के लिए हम बैक जाएंगे, उसके बाद 86 यानी हमारा सॉरी हमारा फ्लैश 32 बिट पैटर्न पे चलता है, तो हम बैक जाएंगे, और उसके बाद हम अपना जो 86 ऑप्शन है, फोल्डर है, उसे ओपन करके, 86 ही 32 बिट है वो ध्यान रखिएगा, एडोब। अब यहाँ पे हमारा फ्लैश दिख गया जो एक्चुअल में 32 बिट है, उसे ओपन करेंगे हम। यहाँ से अपनी डीएलएल में 32 बिट पे जाएंगे, और इसे सेम प्रोसेस, ड्रैग एंड ड्रॉप, कॉपी एंड रिप्लेस, कंटिन्यू, और ये रहा काबूम, हमारा सॉफ्टवेयर प्रॉपर काम करने के लिए तैयार है, वो आप अपने सिस्टम पे चेक कर सकते हैं। ऑल प्रोग्राम्स, मास्टर कलेक्शन एंड देन हमने सबसे पहले फ्लैश और आफ्टर इफेक्ट्स, सबसे बाद में फ्लैश और सबसे पहले आफ्टर इफेक्ट्स किया था, उसे चेक करते हैं। फ्लैश देखिए 30 डेज ट्रायल का जो पॉपअप विंडो आता है वो नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो हमने उसे फिक्स किया था वो परमानेंटली फिक्स हो गया है। इसकी एक स्टेप और भी है, वो मैं अभी कंटिन्यू वीडियो में करूँगा। ये देखिए हमारे पास 30 डेज ट्रायल का ऑप्शन नहीं आया, इसे कट करते हैं। फिर हम देखते हैं दूसरा सॉफ्टवेयर, जैसा कि मैंने बोला था आफ्टर इफेक्ट्स, ये भी देख लें, इसमें भी 30 डेज ट्रायल का पॉपअप नहीं आया है, तो इससे ये प्रूफ होता है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो परमानेंटली हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो गया है। बट फिर भी अगर आपके पास कोई एंटीवायरस है, सपोज दैट कोई खेल एवीजी या ऐसा, तो कई बार हमें प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि वो हमारे जो हमारी फिक्स करने की ट्रिक है उसे बेकार कर देता है। तो उस जगह पर भी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हम कैसे उसे परमानेंटली फिक्स कर सकते हैं।